दोस्तों, पुनः मैं प्रभात रंजन एक नए शख्सियत को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेस आईएएस एकेडमी रांची के द्वारा इस अमृत वेला में जो एक अनूठी पहल शुरू की है कि इसमें जो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उसके बारे में परीक्षार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो उसी के तहत आज मैं प्रभात रंजन कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक शख्सियत को लेकर उपस्थित हूं। इसके बारे में आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इनका स्वतंत्रता संग्राम है और स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश आजाद हुआ तो उसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। तो आज हम उनके महत्वपूर्ण कार्यों और योगदानों की यहां चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की अधिक संभावना है, क्योंकि आप जान रहे हैं वर्तमान में भारत सरकार ने भी यह फैसला किया है कि इस अमृत काल के अवसर पर जो भी गुमनाम हमारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उनके बारे में कई सारे महत्वपूर्ण मंचों से लोगों को उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए और आगे आने वाले परीक्षाओं में इससे अधिक प्रश्न रहने की संभावना है। तो उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए यह अनूठी पहल रेस एकेडमी ने शुरू किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को मंगलुरु में हुआ। इनके पिता मंगलुरु के जिला कलेक्टर थे उस समय और उनके पिता का नाम अनंतैया दरेश्वर था। इनके माता का नाम गिरजाबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मंगलुरु में ही, और जैसा कि उस समय प्रचलन था कि भारत में बालिकाओं का बहुत कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इनके माता पिता ने भी इनका विवाह मात्र 14 वर्ष की आयु में 1917 में कृष्ण राव के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश अगले 2 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया और यह 14 वर्ष की बहुत कम आयु में विधवा हो गए। लेकिन इनके माता पिता के द्वारा जो इन्हें संबल प्रदान किया गया, सहयोग प्रदान किया गया और फिर इन्होंने उस जीवन से निकलते हुए अपने आप को संभाला और देश सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तो आगे चलकर के प्रारंभिक शिक्षा के बाद यह उच्च शिक्षा के लिए क्वीन मेरी कॉलेज मद्रास पहुंची और वहां इनका परिचय सरोजिनी नायडू के भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से हुआ। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे और उनकी भी थिएटर में रुचि थी, तो कह सकते हैं कि वहां से परिचय के बाद यह परिचय आगे चलकर के वैवाहिक जीवन में तब्दील हुआ और 1923 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ विवाह किया। यह वैवाहिक जीवन 1955 तक चला। आगे चलकर के इनके बीच में कुछ बातों को लेकर के मतभेद हुआ और दोनों ने अलग होने का फैसला किया। स्वेच्छापूर्वक 1955 में दोनों ने तलाक ले लिया। उसके बाद उन्होंने अपने अपने हिसाब से जीवन को जिया। तो आप देख सकते हैं कि उस समय एक महिला के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना काफी साहसिक और काफी बोल्ड था। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और हस्तशिल्प कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली गांधीवादी महिला थी। जब ये कॉलेज में थी तभी इनका गांधीवादी आंदोलनों से परिचय हुआ और जब यह मद्रास में ही शिक्षा अध्ययन कर रही थी तो वह कांग्रेस के साथ जुड़ी और 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। आगे चल करके यह
जो महिलाओं के लिए उस समय महत्वपूर्ण संगठन स्थापित हो रहे थे, तो उसमें से एक संगठन का नाम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन था, जो 1926 में स्थापित हुआ। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। तो इस अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के जो संस्थापक थे, उन संस्थापकों में एक नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी था। इसके बाद इन्हें इसका सक्रिय सचिव बनाया गया, और सक्रिय सचिव होते हुए इन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके और भारत में इसकी अनेक जगह शाखाएं स्थापित की, और इसमें महत्वपूर्ण स्त्रियों को जोड़ने का काम किया। साथ ही स्त्रियों को लेकर के इसने अनेक महत्वपूर्ण उस समय प्रश्न उठाए, और महिलाओं की स्थितियों के सुधार के लिए इस सम्मेलन ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। ब्रिटिश सरकार से कई सारे जो है उसने मांगे रखी कि स्त्रियों को ये सारे सुविधाएं प्रदान किया जाए, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उच्च शिक्षा के लिए जो है यहाँ अलग से कॉलेज खोले जाए। तो उन सब में यह सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद 1929 में प्राग में, जो चेकोस्लोवाकिया राजधानी प्राग है, तो वहां पर जो है पूरे विश्व की महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, और उस सम्मेलन का नाम था विमेन्स लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम। तो इस बैठक में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी भाग लिया। इसके बाद वह भारत लौटी, और 1930 में, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। लेकिन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भागीदार नहीं बनाया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और गांधी ने फैसला किया कि महिलाओं को इस आंदोलन से दूर रखा जाएगा, और उस समय जो महत्वपूर्ण जागृत महिलाएं थी, जो राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने कांग्रेस के इस कार्यों का विरोध किया, और उन विरोध करने वाली महिलाओं में कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। उस समय दादा भाई नेहरू जी की पौत्री खुर्शीद बेन नेहरू जी ने गांधी जी को एक तीखा पत्र लिखा, और गांधी के इस प्रकार के फैसले की काफी आलोचना की। उसी समय स्त्री धर्म नामक मासिक पत्रिका की संपादक मार्गरेट कुजिन्स ने भी अपने पत्र के माध्यम से कांग्रेस के इस कार्य की आलोचना की, और महिलाओं को कमतर आंकने के लिए उनकी खिंचाई की। जब यह कार्य चल रहा था, तो कुछ महिलाओं ने गांधी से मिल करके और उनके इस निर्णय को बदलवाने का फैसला किया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से मुलाकात की, और उन्हें इस प्रकार के लिए गए फैसले के बारे में, जो महिलाओं की इसके बारे में विचार थे, उससे अवगत कराया, और महिलाओं के बारे जो नाखुशी जाहिर की जा रही थी उसके बारे में गांधी जी को बताया गया। गांधी जी ने यह फैसला यह सोच करके किया था कि अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी और वह आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे, तो अंग्रेज यह समझेंगे कि यहां भारतीय पुरुष कायर हैं, और इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में महिलाओं को आगे कर दिया। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जब उनसे मुलाकात करके और स्त्रियों के मनोभावों से अवगत कराया, तो उन्होंने फिर एक संक्षिप्त अपील कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लिखी, और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी के उस अपील के बाद जो महिलाओं को उसमें भागीदारी नहीं देने का फैसला किया गया था, जिसे वीटो कहा गया, उस वीटो को वापस ले लिया गया। इसके बाद उस स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भागीदारी देने का कांग्रेस ने निर्णय कर लिया, तब सभी जगहों पर जो सत्याग्रह किए जा रहे थे, उन सत्याग्रहियों
को इकट्ठा करने और उसका नेतृत्व करने के लिए काफी महिलाओं को चुना गया। इन महिलाओं में कई सारे नाम आते हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। उसमें जो सरोज नायडू है, हंसा मेहता है, अवंतिका बाई गोखले है, दुर्गा बाई देशमुख है, और उसी में एक नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी। ऐसे कई सारे स्त्रियों ने जो सत्याग्रहियों के नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को चुना गया था उसमें अपनी भूमिका निभाई। इसी के साथ साथ उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में आंदोलनकारियों ने स्त्रियों के लिए एक प्रकोष्ठ बनाने का निर्णय किया और इस प्रकोष्ठ को तानाशाह या डिक्टेटर कहा गया और इसके लिए महत्वपूर्ण स्त्रियों को नियुक्त किया गया। जब बड़े पैमाने पर स्त्रियों ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया तो इसमें उनकी गिरफ्तारी भी की गई और जैसा कि पहले बताया गया है कि इसमें गिरफ्तार होने वाली पहली महिला में सरोजिनी नायडू का भी नाम है और साथ में कमला देवी चट्टोपाध्याय भी उसके बाद गिरफ्तार की गई। इसके बाद इन्हें ऑर्थर रोड जेल में रखा गया जो मुंबई में था और वह रेड लाइट एरिया में पड़ता था। फिर आगे चलकर 1931 में जब गांधी इम्पैक्ट हुआ तो सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया, उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय भी शामिल। इसके बाद यह हिंदुस्तानी सेवा दल के साथ जुड़ गए। इस हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन 1924 में किया गया था और यह कई सारे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता था। अब इस हिंदुस्तानी सेवा दल का एक नया कदम था कि इसमें स्त्रियों को भी भागीदार बनाया जाए और उनको भी विभिन्न सेवा कार्यों में जोड़ा जाए। तो उसके लिए देश के विभिन्न भागों में इसकी महिला शाखाएं खोली जा रही थी, तो उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया कि वह चारों तरफ घूम घूम करके देश के अंदर हिंदुस्तानी सेवा दल के कार्यों को आगे बढ़ाए और इसमें स्त्रियों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। जब यह कार्य कर रहे थे तो इससे अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि पुरुषों के साथ साथ जब बड़े पैमाने पर स्त्रियां कांग्रेस के कार्यों से रूबरू होंगी और कांग्रेस की आलोचना सब जगह पहुंचेगी, कांग्रेस के कार्यों की आलोचनात्मक परीक्षण किया जाएगा, तो उससे महिलाओं में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ेगा और आंदोलन और अधिक सशक्त बनेगा। तो इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी सेवा दल को बैन कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और 1932 में कमला देवी चट्टोपाध्याय को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई। इसके बाद यह 1933 में पुनः एक वर्ष के कारावास को पूरा करके बाहर निकली और उसके बाद इनका रुझान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तरफ हुआ और वह इसके साथ जुड़ गए। जब 1935 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का आयोजन मेरठ में किया गया तो वहां अध्यक्षीय भाषण कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने स्त्री के जो एक स्वरूप था उसमें जो खेतिहर स्त्री थी उसके जीवन का महिमामंडन निर्माण किया। उस समय आप देखेंगे तो अनेक महत्वपूर्ण जो स्त्री आंदोलनकर्ता थे उन्होंने स्त्रियों के अलग अलग स्वरूपों का महिमामंडन किया है और उसमें जो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने स्त्री पात्र को चुना वह थी खेतिहर कृषक मजदूर और उसके जीवन का इन्होंने महिमामंडन किया, क्योंकि इनका लगाव किसानों से भी था, मजदूरों से भी था और इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े। इसके बाद जैसा बताया गया इनका हस्तशिल्प कला वगैरह और थिएटर वगैरह में भी रुचि था तो वह उन क्षेत्रों में भी अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। आगे चलकर के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय को भी कर्नाटक में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इन्हें वहां बंगलुरु के जेल में रखा गया। इसके बाद आगे इनकी रिहाई कर दी गई। रिहा होने के बाद
क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो यह अमेरिका गए और अमेरिका में कई सारे जो स्त्री संगठन थे उसके साथ जुड़ी और वहां पर भारतीय महिलाओं की परिस्थितियां और अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनके प्रति किए गए दुर्व्यवहार आदि के मामले को उठा रहे थे। तो जब यह जानकारी अंग्रेज सरकार को पता चला तो उन्हें भारत लौटने से मना कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। उसके बाद वह द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने तक कई देशों की यात्राएं की, जिसमें साउथ अफ्रीका, चाइना, वियतनाम, जापान आदि शामिल थे और इस प्रकार से वहां की परिस्थितियों को देखा जाना, वहां के महिलाओं की परिस्थितियों को देखा और उनके संघर्ष को भी उन्होंने नजदीक से देखा। और उसके बाद फिर भारत में यहां स्त्रियों के अच्छे दिन लाने के लिए, स्त्रियों को संबल बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयास आरंभ किया। 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया तो जैसा कि इनका अभिरुचि आप जानते हैं कि थिएटर और हस्तकला आदि के क्षेत्र में था, तो फिर वह उस ओर मुड़ गई और उस क्षेत्र में अपना जीवन लगा दिया। 1952 में इन्हें भारतीय हस्तशिल्प कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, उसका प्रमुख बनाया गया। इसके बाद वह कई प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक संगठनों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण संगठन थे। इन संगठनों की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने 1955 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। इसके बाद इनके सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों को देखते हुए आगे 1966 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे 1987 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा यूनेस्को और दूसरे कई देशों के पुरस्कार से भी सम्मानित की गई है, तो चूंकि वो परीक्षा के लिए उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है इसलिए बताया गया। इसके अलावा इनका लेखन में भी रुचि था तो इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी रचना की है। उन पुस्तकों में द अवेकिंग ऑफ इंडिया विमेन, दूसरा जापान इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तीसरा अंकल सैम्स एम्पायर और चौथा टुवार्ड्स ए नेशनल थिएटर जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अलावा भी कई सारे पुस्तकों की उन्होंने रचनाएं की हैं। इसी प्रकार से इनका जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि थिएटर में रुचि था, उन्होंने कुछ जो है वो फिल्मों में भी काम किया। यह काफी सुंदर और विचारवान महिला थी। तो जब यह पहली बार 1926 में चुनाव लड़ी, 1926 में मंगलुरु से चुनाव लड़ने वाली यह देश की पहली महिला थी, यह भी आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करना होगा। तो इसमें रोमांटिक युवा लोगों ने इनके उस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इनको काफी अधिक मत प्रदान किए, लेकिन यह अपने प्रतिद्वंदी से कुछ मतों से पीछे रह गए और वह चुनाव हार गए। तो यह उस समय के चुनाव में भाग लेने वाली पहली महिला भी थी। तो यह कमला देवी चट्टोपाध्याय का महत्वपूर्ण जीवन परिचय था और इस परिचय को आप बार बार हमारे वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और शेयर करें और इन जानकारियों को अपने अंदर सम्मानित करें ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आप आसानी से उत्तर दे सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए इससे जो संबंधित एक प्रश्न अभी सीडीएस के 2021 के परीक्षा में पूछा गया है उस प्रश्न को भी हम यहां आपको बता दे रहे हैं कि यह प्रश्न था। अगर आप देखेंगे सीडीएस के 2022 का पहला जो फर्स्ट परीक्षा हुआ है उसमें एक प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन में केवल पुरुषों तक इसे सीमित नहीं रखने के लिए मनाया, और उसमें चार जो ऑप्शन दिए गए, उसमें पहला नाम है क
कमला देवी चट्टोपाध्याय, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा मां तंगनी हाजरा और चौथा मिट्ठू बेन पेटिट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आंसर क्या होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो यह था कमला देवी चट्टोपाध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगा, आप इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू होंगे। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।